हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए एक अच्छाएँ हैं जीव विज्ञान की। और आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो चुका है जो है फंजाई। फंजाई जिसे हम हिंदी में कवक कहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में बनते हैं, आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो फंजाई होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है कि इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो इसकी सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक। और ये होते कैसे हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं। इसका मतलब कि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, बल्कि किसी अदर स्रोत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फंजाई के बारे में जो हमें जानना है कि इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है और हेटरोट्रॉफिक होती है। इसके पहले हम लोग बैक्टीरिया पढ़े हैं, तो बैक्टीरिया की जो सेल होती थी वो प्रोकैरियोटिक होती है, लेकिन जो फंजाई की सेल होती है ये यूकैरियोटिक होती है। फंजाई का जो स्टडी किया जाता है जीव विज्ञान की जिस शाखा में, उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी, या इसी को माइसिटोलॉजी भी कहा जाता है। तो चाहे माइकोलॉजी लिखा रहे या फिर माइसिटोलॉजी लिखा रहे, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यहाँ पर जो माइकोलॉजी बना है ये लैटिन भाषा के माइक्स शब्द से बना है, और माइक्स का मतलब होता है मशरूम। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मशरूम एक फंगस है, एक कवक है, इसलिए उसी के नाम के आधार पर यहाँ पर जो फंजाई का अध्ययन है वो माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है ये एपी मिचेली को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एपी मिचेली को। और यहाँ पर इन्होंने एक बुक लिखी थी नोवा प्लांटेरम जेनेरा। यहाँ पर इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है कि पी ए मिचेली ने कौन सी बुक लिखी है, तो नोवा प्लांटेरम जेनेरा। कब लिखा था? 1729 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो है ई जे बटलर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ई जे बटलर को कहा जाता है, और इन्हीं को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तब भी आपका जवाब होगा ई जे बटलर। और अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, तब भी इसका जवाब होगा ई जे बटलर। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बैरी को कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बैरी को कहा जाता है। और यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फंजाई नाम जो सबसे पहले दिया था वो गैस्पार्ड बाहिम नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो जो फंजाई टर्म का सबसे पहले यूज किया था वो साइंटिस्ट थे गैस्पार्ड बाहिम। अब यहाँ पर हमें देखना है कि फंजाई का हैबिटाट्स क्या होता है, अर्थात ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो फंजाई हैं या तो वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, या फिर पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। तो सैप्रोफाइट में ये कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, इसका यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स लिखा गया है कि कार्पोफिलस फंजाई। तो यहाँ पर कार्पोफिलस का मतलब होता है, कार्पोफिलस है,
काप्रोफिलस फंजाई। तो काप्रोफिलस जो होते हैं ये ग्रोविंग ऑन डंग अर्थात ये गोबर इत्यादि पर उगते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेजाइजा और पाइलोबुलस। यहाँ पर एग्जाम्पल से ही बहुत मतलब है, बस केवल आपको जानना है कि जो काप्रोफिलस होते हैं तो ये काप्रोफिलस कहाँ उगते हैं, ये डंग्स पर उगते हैं, गोबर इत्यादि पर उगते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेजाइजा और पाइलोबुलस। इसके बाद अगला है कार्टिकोलस। तो कार्टिकोलस जो होते हैं ये ग्रोविंग ऑन बार्क पेड़ों की छालों पर उगते हैं। जो पेड़ में तने में छाल पाई जाती है उस छाल पर ये उगते हैं। इसका एग्जाम्पल है पालीपोरस। इसके बाद तीसरा है लिग्नोकोलस, या इसी को जाइलोफिलस कहा जाता है या इसी को इपीजाइलिक कहा जाता है। ये लकड़ियों के ढेर पर उगते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गैनोडर्मा। इसके बाद अगला है किरेटिनोफिलस। तो किरेटिन आपने पढ़ा है कि जो किरेटिन होती है ये हमारे बालों और नाखूनों में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो बालों पर उगते हैं या हॉर्न्स जानवरों के सींगों इत्यादि पर उगते हैं तो इसको कहा जाता है किरेटिनोफिलस, और इसका एग्जाम्पल होगा ट्राइकोफाइटान। तो यहाँ पर सबके नाम और सबके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा फंजाई है जो एक्वाटिक होता है अर्थात जलीय होता है। तो यहाँ पर सेप्रोलिग्निया एक ऐसा फंजाई है जो एक्वाटिक या जलीय नेचर का होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो इनकी प्लांट बॉडी होती है फंजाई की, उसे हम थैलस कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड थैलस, कि जो फंजाई की बॉडी होती है उसे थैलस कहा जाता है। थैलस का मतलब होता है कि इसमें जड़ तना या पत्ती में विभेदन नहीं होता है, पूरा शरीर एक मास के रूप में, एक पिंड के रूप में होता है, तो उसी को बोलते हैं थैलस। अगर यहाँ पर हम थैलस का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ये थैलस हमें दिख रहा है ये वास्तव में पतले पतले धागे नुमा संरचनाओं का बना होता है। तो इस पतली धागे नुमा संरचना को हम कहते हैं हाइफी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो पतले धागे नुमा संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, हाइफी। और जब ढेर सारी हाइफी एक साथ मिलकर के एक जाल की तरह से संरचना बना लेती हैं इस तरीके से आपस में उलझ करके, तो उसे कहा जाता माइसीलियम, जिसे हिंदी में कहते हैं कवक जाल। तो यहाँ पर देखिए जो थैलस होता है, थैलस का अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये थैलस अनेक महीन महीन पतली धागे नुमा संरचनाओं से बनी होती है। उन पतली धागे नुमा संरचनाओं को हम कहते हैं हाइफी, और ये हाइफी जब आपस में उलझ करके एक जाल नुमा संरचना बना लेती हैं तो उसी को कवक जाल या माइसीलियम बोला जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेल वाल की, कोशिका भित्ति की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कवक की सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है। तो जो कवक की सेल वाल है ये काइटिन प्लस फंगल सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्लांट के सेल में सेलुलोज होती है, जो ट्रू सेलुलोज होती है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पर फंगल सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है, ये चीज़ यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो काइटिन का फार्मूला है C22H54N4O21 का होल N, ये काइटिन का फार्मूला है। जो काइटिन होता है ये N एसिटिल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है। यहाँ पर कभी कभी ये काइटिन का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है काइटिन किसका पॉलीमर है, तो ये N एसिटिल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है।
इसके बाद कुछ और टर्म हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे पूछा जाता है कि होलोकार्पिक क्या होती है। होल का मतलब यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है कि पूरा, संपूर्ण बॉडी। तो यहाँ पर जो सिंगल सेल्ड थैलस होते हैं उनकी पूरी बॉडी ही बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती है, तो उसी फंजाई को कहा जाता है होलोकार्पिक फंजाई। तो ऐसे फंजाई या ऐसे सिंगल सेल वाले फंजाई जिनकी पूरी बॉडी ही बाद में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को कहते हैं होलोकार्पिक फंजाई। तो जो लोअर फंजाई होते हैं, जिसमें एग्जांपल है ईस्ट, इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो होलोकार्पिक कहलाता है। इसके बाद अगला है यूकार्पिक। यूकार्पिक में क्या है कि थैलस का कोई एक विशेष स्ट्रक्चर बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाता है मेच्योर होकर के, तो इस प्रकार के प्लांट बॉडी को यूकार्पिक कहते हैं। तो यहाँ पर यूकार्पिक का जो एग्जांपल होगा वो जो डेवलप्ड, जितने भी डेवलप्ड फंजाई हैं जिनमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग से बाद में जनरेट होते हैं, वो सभी यूकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है कि डोलीपोर सेप्टम कहाँ पाया जाता है। तो जो डोलीपोर सेप्टम है ये बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में जो पट होता है, सेप्टम होता है, उस पट में एक बैरल शेप्ड या ढोलक के आकार का छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र को डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। तो डोलीपोर सेप्टम कहाँ पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में जो हाइफी में सेप्टम होता है, पट होता है, उसी पट में एक ढोलक के आकार का छिद्र होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ये मान लीजिए एक कवक की हाइफी है और यहाँ पर एक ये सेप्टम बना है, तो इसी सेप्टम में यहाँ पर इस तरीके से ढोलक के आकार का एक पोर होगा और उसी पोर को हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टम। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा कि डोलीपोर सेप्टम किस में पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में। लेकिन रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई को छोड़कर, अर्थात जितने फंजाई रस्ट डिजीज उत्पन्न करते हैं या जितने फंजाई स्मट डिजीज उत्पन्न करते हैं, उन सभी फंजाई को छोड़कर बाकी बेसिडियोमाइसिटीज के जितने सदस्य होते हैं उन सभी में ये डिप्लोपोर डोलीपोर सेप्टम पाया जाता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो किस रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन और आयन के रूप में संग्रहित होता है। इसके बाद पूछा जाता है कि फंजाई में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि फंजाई में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसलिए वो टोटली अदर स्रोतों पर डिपेंड करते हैं। तो उनके न्यूट्रिशन का यहाँ पर तीन तरीका हो सकता है, जिसमें से दो हमने यहाँ पर लिखा है जो मेन है। एक तो है पैरासाइटिक परजीवी के रूप में और एक है सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी में। इसके अलावा कुछ कवक ऐसे हैं जो कि सिम्बायोटिक या सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पर नीचे किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो परजीवी होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिसे कहते हैं अविकल्पी परजीवी, और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, जिन्हें हम कहते हैं विकल्पी परजीवी। तो जो अविकल्पी परजीवी होते हैं या ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीटली पैरासाइट ही होते हैं। जिन होस्ट पर इनको उगना है, अगर वो होस्ट इनको नहीं प्राप्त होता है तो ये डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन किसी और सोर्स से अपना भोजन नहीं लेते हैं। जैसे जो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज उत्पन्न करने वाले जितने भी फंजाई हैं वो सभी ऑब्लिगेट पैरासाइट के अंतर्गत या अविकल्पी परजीवी के अंतर्गत आते हैं, और फैकल्टेटिव पैरासाइट विकल्पी परजीवी। तो विकल्पी का मतलब है
ये होते तो यहाँ पर मुख्य रूप से पैरासाइट ही हैं, लेकिन अगर इन्हें होस्ट नहीं मिला तो ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेकर के एक मृतोपजीवी की तरह भी अपना जीवन गुजार लेते हैं। अर्थात इनके पास एक विकल्प होता है कि अगर इन्हें होस्ट नहीं मिला तब भी ये जिंदा रह लेंगे, जिसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया और स्यूडोसार्कोस्पोरा। यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है या कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं है। तो यहाँ पर जब तक एग्जाम्पल यहाँ पर याद नहीं रहेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है बहुत ज़्यादा समझाया जाए, ये सब यहाँ पर रटने की चीज़ें हैं, जहाँ पर समझाने की चीज़ें होंगी वहाँ पर आपको समझाया जाएगा ढंग से। इसके बाद अगला है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक। यहाँ पर जो सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी आपने देखा कि ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक या इसी को कहते हैं अविकल्पी मृतोपजीवी, और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक जिन्हें कहते हैं विकल्पी मृतोपजीवी। तो अविकल्पी मृतोपजीवी जो होते हैं ये पूरी तरह से सेप्रोफाइटिक ही होते हैं, अगर इन्हें सड़ा गला पदार्थ रहने के लिए नहीं मिला तो ये मर जाते हैं, लेकिन किसी और स्रोत से अपना भोजन नहीं लेंगे। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस और पेनिसिलियम। इसके अलावा भी कई फंजाई हैं जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक होते हैं, लेकिन म्यूकर, राइजोपस और पेनिसिलियम इसमें फेमस हैं। इसके बाद अगला है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक। फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्पी, तो मुख्य रूप से ये होते तो सेप्रोफाइटिक ही हैं, लेकिन अगर इन्हें सड़ा गला पदार्थ नहीं मिला तो ये दूसरे किसी प्लांट या किसी एनिमल पर डिजीज उत्पन्न करके पैरासाइट के रूप में भी रह लेते हैं, जैसे फाइटोप्थोरा। आप आगे पढ़ेंगे कि फाइटोप्थोरा की लाइफ साइकिल के बारे में, फाइटोप्थोरा जो है ये प्लांट में डिजीज उत्पन्न करता है पोटैटो में। इसके बाद अगला है सिम्बायोटिक फंजाई या सहजीवी। तो सिम्बायोटिक के रूप में जब फंजाई एल्गी के साथ मिलते हैं तो लाइकेन बनाते हैं, तो लाइकेन का हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर लाइकेन का हमने कोई बहुत विशेष डिस्कशन नहीं किया है। लेकिन यही फंजाई जब उच्च प्लांट से या हायर प्लांट से सिम्बायोटिक दर्शाते हैं तो उसे हम लाइकेन ना बोल करके माइकोराइजा बोलते हैं। तो माइकोराइजा क्या है पूछा जाएगा, तो फंजाई का हायर प्लांट के साथ जो सिम्बायोसिस है वो माइकोराइजा कहलाता है, और माइकोराइजा मुख्य रूप से जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो पाइनस में देखने को मिलता है। पाइनस आगे आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे। ये माइकोराइजा भी दो प्रकार के होते हैं, इक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा। जो इक्टोमाइकोराइजा होते हैं ये कार्टेक्स के बाहर, सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, और जो इंडोमाइकोराइजा होते हैं ये कार्टेक्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इक्टोमाइकोराइजा के सदस्य फंजाई जो होते हैं ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो बेसिडियो माइसिटीज के सदस्य होते हैं, और जो इंडोमाइकोराइजा में फंजाई होते हैं ये जाइगोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं। यहाँ पर दो और चीज़ें पूछा जाता है कि राइजोमार्क्स क्या है और स्क्लेरोसिया क्या है। यहाँ पर राइजोमार्क्स का मतलब होता है कि कुछ जो हायर फंजाई हैं उनमें नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल जाती है, उसकी हाइफी जो है इस तरीके से पैरेलल डेवलप होकर के एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसी को राइजोमार्क्स बोला जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है दीज आर सब टेरेनियन रूट लाइक फंगल मासेज विथ डिस्टिंक्ट ग्रोविंग पॉइंट। इसमें अलग अलग ग्रोविंग पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हाइफी यहाँ से कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जाकर मिल रही है। लेकिन जो स्क्लेरोसिया है इसमें जो हाइफी होता है वो इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब कि इतना सघन हो जाता है कि उसमें जो ग्रोविंग पॉइंट है वो
प्रेजेंट नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि इसका ग्रोइंग पॉइंट कहाँ पर है। तो वो कह सकते हैं कि एक बाल लाइक ठोस संरचना बना लेती है, तो उसी को स्क्लेरोसिया बोला जाता है। तो यहाँ पर राइजोमार्स और स्क्लेरोसिया भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राइजोमार्स क्या है या स्क्लेरोसिया क्या है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में। फंजाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। यहाँ पर कई स्पीसीज का हमें सेपरेट स्टडी भी करना है, तो यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके साथ अगर हम डिस्कशन करते हैं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। Thank you.